मनाली सीरीज के पहले पार्ट में आपने देखा हम अपने घर से चल के हिसार से, और हिसार से फिर हम रात को भाई 3 नमूने बस पकड़ के चंडीगढ़ की स्लीपर हम चंडीगढ़ पहुंच चुके थे। और वहां जाते ही हमको कुछ वो पता है ना, वो ड्राइवर अपने लिए भाई पता नहीं कहाँ कहाँ के लिए मना रहे थे, वो लास्ट लोग में आप देख सकते हो। और उसी के साथ हमारे साथ स्कैम हो गया, बिकॉज हम रात को पहुंचे और कोई भी बस वगैरह अवेलेबल थी नहीं मनाली के लिए। तो उससे आगे का पार्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो भाई आज तक है ना हमारे साथ लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि हम कहीं कुछ भी कर रहे हैं और वो मतलब सीधा सक्सेसफुल हो गया हो, तो ऐसे ही आज फिर से हो गया हमारे साथ। तो हमें ना तो बस मिल रही करंटली, बस कह रहे हैं भाई 12 बजे चलेंगे यहाँ से, हैं बस बट वो वाली बसें हैं जो अभी चल के रात को 10 बजे पहुँचाएंगी, मतलब बहुत लंबे लंबे टाइम वाली, वो बहुत लाइक बुरा सिस्टम हो जाएगा। तो हमने इंतज़ार किया, 8 बजे कन्फर्म हुआ है एक भाई से कुछ कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट करके बातें बातें करके, कोई ना डे गाड़ी कौन सी भैया कन्फर्म को नहीं पहली गाड़ी। तो स्कैम ही हो गया भाई, यहाँ से चंडीगढ़ से मनाली का डायरेक्ट सिस्टम ही नहीं है करंट टाइम में, 12 बजे के बाद ही स्टार्ट है। यहाँ पे गाड़ियों वाले हैं भाई वो बहुत हैवी किराया मांग रहे हैं, इतने में तो बात नहीं बन सकती। तो हमने कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के अभी किया है, मंत्री की पहुंच लग गई, मंत्री की पहुंच तो नहीं लगवाई, चलो इंतजार किया। अभी 7 बज चुके हैं, दिख रहा होगा तो 7:04, 8 बजे का टाइम दिया भाई, 8 बजे इंतजार करेंगे, अगर वहाँ भी नहीं होता फिर तो 12 बजे वाली बस ही हमारे पास। भाई क्या सिस्टम है ना, हमें हमारी जहाज जो है वो वैसे बसों की फॉर्म में लैंड आ चुकी है, तो मनाली के लिए वेट नहीं हो रहा, बट सर्दी यहाँ पे अच्छी खासी है, आगे मनाली में देखो कैसा रहेगा, कुछ स्टोर खरीदना ही पड़ेगा। मैंने तो इनर भी पहन रखी है, कोट भी पहन रखा है। तो ये भाई अपनी सवारी, आखिरकार भाई गाड़ी हमारी आ चुकी थी मनाली तक हमें ले जाने के लिए, हम तीन और साथ में पाजी, और ये गाड़ी हमें पड़ी भाई 3500 रुपए में। साथ साथ में मैं सारी चीजें बताता रहूंगा कितना कैसा खर्च। हमारे यहाँ हमें अपनी सवारी मिल चुकी है मनाली तक की, भैया हमारे साथ है, एंड कब तक हो जाएगा भैया देखते हैं, रोड पर डिपेंड है, लग जाते हैं यार 9-10 घंटे तो लग जाएंगे। जैसा भी रहता है, सफर का एंजॉय लेते हैं। ये बर्फ की वेट करें तो शुरू होगी, गिरेगी गिरेगी, तेरे लिए तो सब स्पेशल गिरवाएंगे भैया, कह रहे हैं कि ये बैठा तब तक तो नहीं गिरेगी, तब तक तो फायदा ही नहीं है, इसको उतार दो। ये बोतल ना आपके ऊपर गिरेगी, साइड में रख ले इस, आपके साइड में भाई साइड में रख ले कि जगह होगी ना। चलो भाई निकल चुके हैं, अभी चंडीगढ़ से निकलते हैं, एंड देन आगे का देखते हैं भाई कैसा रहता है। फर्स्ट टाइम हम चंडीगढ़ से आगे पहली बार जा रहे हैं, चंडीगढ़ में तो करीब करीब 10-20 बार आ चुके हैं। चंडीगढ़ से निकलते भाई पाजी बोले मेरे को तो ब्रेकफास्ट करना है, मैं करके नहीं आया, तो ये बोले बस 10 मिनट दो मेरे को, तब तक हमने सोचा चलो यहाँ घूम फिर लिया जाए, देख लिया जाए कैसा क्या सारा माहौल है। थोड़ी सी धूप भी निकलाई थी, मैं 10-15 मिनट धूप का भी थोड़ा सा चैन कर लेंगे, सह लेंगे धूप को, और अच्छी खासी धूप निकली है भाई, अब तो चिलक दी सी। ऐसे मान लो अभी टाइम करीब करीब 9:30-10 बजे होंगे यहाँ से, साढ़े नौ बज चुके हैं, तो करीब करीब हमारा शाम तक 5-5:30 बजे तक का टूर रहने वाला है। गाड़ी में बैठना है सारा दिन, तो ये पहले कुछ खा पी लिया जाए, फिर रास्ते में पता नहीं भी कहाँ मिले कैसा मिले आगे, मेरे को तो पता नहीं, जो हमारे जो ड्राइवर भाई साहब वो तो कह रहे हैं नो टेन इशू, आगे मनाली से पहले ही सुनिए, मनाली में जाने के बाद बहुत ज़्यादा इसी वक्त हिमाचल में इंटर करते हैं हमारे लिए नज़ारे ही चेंज हो गए, हम पहाड़ों पे हाई अल्टीट्यूड पे जाने लगे और चारों तरफ सिर्फ पहाड़, और पहाड़ के बिल्कुल साइड में जो रास्ता था उस पे हम चल रहे थे भाई, नेक्स्ट लेवल वाइब थी लाइफ में पहली बार। यहाँ पे भाई क्या है, नया रोड बना है पाजी यहाँ पे? हाँ जी, नहीं यहाँ से नया रोड बन रहा है अभी, तो वो जाएगा 6 महीने बनाने के लिए, अंदर से अंडरग्राउंड टनल जा रही है यहाँ से सीधा सुंदरनगर। अच्छा
अंदर से टनल जा रही है भाई, बहुत छोटा रास्ता हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल भाई ऐसी जगह है, मतलब लाइफ में पहली बार हमने तो देखो पहली बार देखी है, बहुत आए होंगे मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट। और यहाँ से टनल बन रही है अंदर ऊपर की तरफ, रास्ता अब सिर्फ एक तरफा कराया गया था, मतलब वो डबल फोर लेन जो चल रहा था वो बंद हो के यहाँ से सिर्फ दो साधन साइड में से बिल्कुल संकरा रास्ता हो गया था। और जो एक्साइटमेंट थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा ऊपर जा रहे थे नज़ारे उतने ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल। लाइक मतलब देखो मेरा लाइफ में पहली बार था, हम तीनों का ही पहली बार था मनाली की ट्रिप या चंडीगढ़ से आगे पहाड़ों की तरफ की कोई भी ट्रिप, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आओ और आंखों से देखो तो ही समझ में आएगा भाई जो ये। भाई साहब यहाँ पे तेल डला पहाड़ों में, वो दादी छोटे छोटे हैं भाई, मतलब बिल्कुल ही छोटा सा वो है, क्योंकि भाई है ना कोई जगह नहीं होती इतनी, इधर दोनों तरफ से इधर उधर निकल के आ जाए, तो वो वाला सिस्टम है, छोटी सी जगह है, यहाँ पेट्रोल डलवाओ निकल जाओ, बस आओ जाओ ऐसा सिस्टम चल रहा है। नरेंद्र है और कुछ होना हो यार, काम हम गाड़ी हो तो खुद क्या काम हम तो जाके आओ यार, ये काम है जो भी है नहीं यहाँ से भी नहीं दिख रहा है पेड़ आ भाई वी आर एट क्या कहते हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ इस लोकेशन को, वो जो नदी आपको दिख रही ना वो सतलुज नदी, वो जो आपने भाखड़ा नांगल डैम सुना हो पंजाब का और हिमाचल प्रदेश का, मतलब वहां से ऊपर से रोड भी बन रहा भाई, वो वाली नदी जा रही है यहाँ से क्या भाई, और नीचे देखोगे तो लोग दिख रहे हैं, यहाँ तो गेहूं भी उगा रखे हैं लोगों ने। ओ भाई साहब माय गॉड, यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी वो भाई नेक्स्ट लेवल का गजब था। मतलब जब प्लेन्स एरिया से ऐसे एरिया में आते हैं तो सभी का दिमाग चकरा ही जाता है, और हम तीनों तो बिल्कुल खेतों में रहने वाले ऐसे, मतलब हरियाणा के ठेठ आप अगर पुराने व्लॉग्स उठा के देखोगे तो कितना देसी सिस्टम है इस साइड, और यहाँ पे जब ये चीज़ें आती हैं पहाड़ वहाड़, तो हमें मतलब पहले तो अपनी आँखों पर ही ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि हमने ये देख तो देख क्या लिया, नीचे लोग सन काम है, घर इतने नीचे नीचे और इतने ऊपर ऊपर, मतलब वहाँ तक ना गाड़ी जा सकती है ना कोई साधन जा सकता है, वो लोग पैदल रोडों पे आते हैं, पैदल रोडों से जाते हैं। यहाँ पे ये वाइब्स हम लगातार कंटिन्यू अपनी कैप्चर किए जा रहे थे, बट हमने फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और फ़ोन की बैटरी भाई डेड हो जाती है, और मेरे पास ये अकेला फ़ोन है, सेकेंडरी जो फ़ोन है उसकी बैटरी और उसका कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा है नहीं। तो नेक्स्ट व्लॉग में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से आगे की जो सीरीज है, हम ऐसे मान लो मनाली से चंडीगढ़ के आधे रास्ते में आ चुके हैं, आधा रास्ता देन नाइट की जो स्टे हम रात को जिस भी टाइम तक पहुँचेंगे, मैं क्योंकि शॉर्ट अपनी मेमोरीज यहाँ पे इकट्ठी करना चाह रहा था, फर्स्ट टाइम गए थे उसका एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ छोटे छोटे व्लॉग्स के पार्ट में आएगा, तो आप भी ज़्यादा बोर नहीं होगे और हमें भी मज़े आएंगे।